ऐसा लग रहा था कि कहीं तो मैं गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगा कुछ देर के लिए कि लोग इतने ताने बाने जो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें बोले हैं जो शायद अगर काम सुन ले तो लड़ जाते थे। लेकिन अब आज जो आज का दिन है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खुशी का ठिकाना मेरा नहीं है कि ऐसे एनजीओ मेरे साथ में आए हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसे बच्चों को इतनी ऊंची मकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारे एनजीओ ने हम लोगों का हक थामे हैं। उनमें से पहला शुक्र अदा करना चाहूंगा मैं द हेल्पिंग हैंड, जिन्होंने सिर्फ बात को सुनकर उन बच्चों के लिए एक किट तैयार करके एजुकेशन का उन्होंने लेके आ गया। मैं रहा हूं कि कल आप लोग इसके अलावा भी किसी तरह की जरूरत महसूस हो बेझिझक आप लोग कॉन्टेक्ट करें। इस तरह से आलबरत के एक हम लोग का जो प्रिजर्व है, हम लोग प्रिजर्व बाद में है, पहले एक इंसान है। पहले हम लोग एक इंसान है तो आप लोग दिखाना चाहते, कोई पोस्ट नहीं, कोई बात नहीं है। जो चाहेंगे अपने मन से अगर किसी का भला करना चाहे ना, तो वो पोस्ट अल्लाह देना, उससे बड़ा पोस्ट कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए पोस्ट के बिना भाग्य नहीं। आज कुछ मेंबर हम लोग ये सोचता है ग्रुप के कि ये ट्रेजर है, ये सेक्रेटरी है, ये एक्टिव मेंबर, कोई चीज सुनिए देना, आप इबादत से काम कीजिए, अल्लाह पोस्ट देने वाला है। जब अल्लाह पोस्ट देगा तो ये पोस्ट की कमी महसूस होगी नहीं। तो इनमें से हमारे अल मदद आए हुए हैं और साथ साथ जो है अल असरफ वेलफेयर सोसाइटी, ये लोग हम लोग हाथ थामे हैं। अभी तक पता नहीं हमारे इलाके में और बहुत सारे एनजीओ हैं, अगर अभी तक हमारी बातें उनको समझ में नहीं आई है तो आ जाएगी इंशाल्लाह एक दिन। सब लोग अपने अपनी जगह में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी बात है कि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जो इस नाचीर के सोच में जो बात आई कि सब लोग अपना भला ही कर रहे हैं समाज के लिए, तो क्यों ना हम परमानेंट भलाई करें। हम किसी को एक बार खाना दे देंगे वो खा करके भूल जाएंगे, एक जोड़ी कपड़ा पहना देंगे वो एक जोड़ से जिंदगी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसी जिंदगी दो जिसकी सातों नस्ल तक बरकरार रहे। तो हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं और आज हम लोग इस साथ देने के लिए ऐसी कमेटियां जो हमारे हम लोग साथ साना बसाना मिला करके खड़े हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आप लोग अब जवाबदाही बन जाइए। अगर आप लोग इलाके में किस तरह की कोई तंज कर रहे हैं, कोई आप लोग का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो चार दिन का खेल है, ये तो आप लोग को छोड़ देंगे, अगर मुन्ना अकेला होता तो शायद हो सकता था, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज इन एनजीओ ने इस नाचीज की इस ग्रुप को, इस सोसाइटी को थाम लिया है। हो सकता अल्लाह ने, ये तो जरिया है सिर्फ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को उन बच्चों की मदद के लिए भेजा है। आप लोग इलाके में अपने बच्चों को इंशाल्लाह ताला डॉक्टरी के मकाम तक, इंजीनियर के मकाम तक, वीडियो इंस्टीट्यूट के मकाम तक पहुंचाने के काबिल बन जाएंगे, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों को अगर सवाल करे कल कि क्या कर सकते हैं, सोचिए अपने बच्चों का, उसी बात को कार बांध लीजिए कि क्या कर सकते हैं आप, करके दिखाना है। बस ये बात सोचिए कि जल्दी पैसा ना बनना है, पैसा ना बनेगा सोचकर करके आप लोग क्या ढूंढते हैं, उठा के बच्चों ने अकेला भेज दें, उठा के बच्चों को पानी में डाल भेज दिए जी, टेम्पोरी तो अपना पैसा तो बन जाइएगा लेकिन उसकी नस्ल को बर्बाद कर दिए। तो बड़ा करम इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अब हमारी सोसाइटी बाल को अकेले नहीं है, आज इनके हाथ थामने के लिए ये सारे एनजीओ खड़े हैं। और जब भी जरूरत पड़े मैं एनजीओ को आप लोगों के सामने भी कर रहा हूँ, ये नाची जी कमेटी, ये नाची के सारे मेंबर्स, सारे एक्टिव मेंबर्स, जब भी ये लोग बुलाएंगे जिस जगह बुलाएंगे हाजिर होंगे, स्पोर्ट होंगे। इसी के लिए हम लोग आज और सब में हम लोग मिलकर हाथ रखते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग एक साथ और एक मिलकर के एकजुट के साथ काम करेंगे। बेटा या बेटी हो, 7 घंटा अगर वो काम करेगा, 2 घंटा पढ़ाई करेगा, उसके बाद अपना घर का जिम्मेदारी है, सोना है, आराम करना है, खाना है, तो हम लोग क्या 2 घंटा पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते, पढ़ाई के लिए निकाल रहा है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, स्कूल जाने के बाद तो वो टीचर का जिम्मेदारी है, फैमिली में आपका जिम्मेदारी है। और इसी के तहत वो बच्चा सबसे बोलना चाहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। हम लोग को रास्ता दिखाना है, वो खुद ब खुद बन जाएगा, बस यही। आप लोग मेहरबानी करके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिएगा और हम लोग इंशाल्लाह हर साल आएंगे। मुन्ना मुस्ताक भाई है, जिशान भाई है, और भी जो भी कॉमेडियन मतलब नए हैं पहचानने पर है, हम लोग साथ देंगे। क्या सकते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बोलने के लिए, बहुत कीमती बात दे दी आप लोगों ने।